तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आपकी एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। याद रखिए, इसमें आपकी जो भी कक्षा 6वीं से लेकर 10th तक की जो भी बुक्स आपकी सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उन सबको कवर करवा दिया गया है। उन सब की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है। और कक्षा 11वीं में भी आपकी 2 बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आप सभी को मालूम होगा कि राजनीति विज्ञान में 2 बुक्स हैं कक्षा 11वीं में। कौन कौन सी? पहला है आपका राजनीतिक सिद्धांत के नाम से, दूसरी बुक से आपकी भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के नाम से। इनकी पीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है। ठीक है, इसकी जो भी वीडियो क्लासेस हैं, आपकी जो भी लेक्चर हैं, वो सभी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से, जो आप हम लोगों ने जो सूची बनाई हुई थी उसी में डली हुई है। और एक बात और बता दूं आप लोगों को कि वैसे बताने की अब जरूरत नहीं है कि अब कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है ये एनसीईआरटी आपकी तैयारी के दौरान, ये आपको मालूम चल गया होगा। अगर फिर भी आपको मालूम नहीं चलता है तो पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, फिर चाहे आपकी प्रारंभिक परीक्षा के हो या फिर मुख्य परीक्षा के हो या फिर आपके ऑप्शनल के हो, जो भी सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है, तो पढ़ लीजिए समय रहते हुए एनसीईआरटी, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के पढ़े कुछ नहीं उखड़ने वाला है। क्या नहीं होने वाला है? कुछ नहीं उखड़ने वाला है। और एक बात और हमेशा याद रखिए, इतने सरल शब्दों में लिखी गई है बुक्स कि मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या समझाने लायक है। वो तो कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए लिखी गई है और आप तो उनसे आगे निकल चुके हैं ना। अगर आप अच्छे से ध्यान रखकर 1 से 2 बार पढ़ते हैं तो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वो सब कुछ आप जान जाएंगे। ठीक है, पहले आप लोग एनसीईआरटी को 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इनके शॉर्ट नोट्स आप लोग बना के रख लीजिएगा। ठीक है, और याद रखिए आपकी समस्या बस इतनी सी थी कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, तो इन सब का समाधान कर दिया गया है। इन सब की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है। अगर आपके पास सुविधा है तो आप लोग खरीद भी लीजिए, कहीं से दुकान पर मिल जाएंगे आराम से, या फिर आप लोग डाउनलोड करके भी, आजकल आप देख रहे हैं कि आपके पास स्मार्टफोन होगा, लैपटॉप होगा, टैबलेट होगा, कंप्यूटर होगा, तो उस पर भी आप लोग उपयोग इनका पढ़ सकते हैं आराम से। देखिए, यह है आपका भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और जो कक्षा 11वीं में आपकी भूगोल की भी 2 बुक्स हैं, पहली आपकी भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत के नाम से, यह है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी के नाम से। दूसरी बुक है भारत भौतिक पर्यावरण के नाम से। पहले हम लोग पहली बुक कवर कर लेते हैं, इसके जस्ट बाद हम लोग इसकी दूसरी बात कर लेंगे, दूसरी बुक की। ठीक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11वीं के लिए है। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, चलिए एक बार हम लोग विषय वस्तु देख लेते हैं। ये आप लोगों को पढ़ना हो तो इसका मेन पेस्ट पर पढ़ते रहना। और भारत का संविधान उद्देशिका, मुझे तो लगता है कि अब आपको रट गई होगी। और एक बात और याद रखिए, अगर भारत के संविधान को आपको समझना है तो पूरा संविधान का एक निष्कर्ष आपका उद्देशिका में छुपा रहता है, तो एक तरह से आपको कंठस्थ याद हो जाना चाहिए उद्देशिका तो, कम से कम। समझ रहे हैं आप लोग? एक तरह से आप जिस तरह से याद कर लेते हैं ना कि हनुमान चालीसा या फिर कोई गीत आप लोग एक कंठस्थ याद रख लेते हैं, छोटे थे तो प्रार्थना याद रख लेते थे स्कूलों में, तो इसी तरह से भी याद रख लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान लागू हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से आपका संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसमें एक 42 बार संविधान संशोधन हुआ था, जिसे आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा बदलाव किया गया था, संशोधन किया गया था एक तरह से। ठीक है, इसे भी याद रखिए। आगे चलते हैं हम लोग, ये आपके भारत का संविधान है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें आप लोग मौलिक अधिकार भी कह देते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करने का अधिकार हो,
कई जगह आपको अपवाद भी देखने को मिलते हैं, एक तरह से प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब देखिए आर्टिकल आप देखते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है तो आप किसी को गाली देने लग जाए। सीधा सा कहने का मतलब है कि जहां तक आपके सीमित अधिकार वहां तक रहें, जहां तक कि दूसरे के अधिकारों का आप हनन ना करें। ठीक है, पहला आप देखते होंगे कि समता का अधिकार हो गया, विधि के समक्ष एवं विधियों के समान समान संरक्षण, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, लोक नियोजन के विषय में अस्वस्थता, उपाधियों का अंत, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखते हैं स्वतंत्र अधिकार, इसके बारे में वैसे आपने जो पिछली आपने देखी है एनसीईआरटी की जो पॉलिटी की वो समय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आप देखेंगे अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वातंत्र, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। आप लोगों को कमेंट में लिखना है ये जो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया और किस आर्टिकल के तहत इसे रखा गया है। ठीक है, लिखिए आप लोग नीचे। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर आप सुनते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध, परि संकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की और धर्म के अवैध रूप से मान्य आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता, राज्य निधि से पूर्णता पोषित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। फिर आप देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषय हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापना और प्रशासन। एक आप सुनते हैं आर्टिकल 32, जैसे संविधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। आप समझिए कि मौलिक अधिकारों का कोई मतलब ना रहता अगर आर्टिकल 32 ना रहता। एक तरह से आप समझिए कि आपको अधिकार दे दिए गए, मान लीजिए सरकार कल आपके अधिकारों में हस्तक्षेप करने लगे, आपके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने लगे या कोई और व्यक्ति आपके अधिकारों को हनन करने लगे, आपको रोकने लगे आगे बढ़ने से, तो आप समझते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, रिट जारी करता है, आप लोगों ने सुना हुआ पिछली क्लास में हम लोग विस्तार में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कक्षा 11वीं में उच्चतम न्यायालय तथा एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा फितरत अधिकारों को परिवर्तित कराने का उपचार दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात है आज की यही कि विषय सूची में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है आगे। इकाई 1 भूगोल एक विषय के रूप में, इसमें पहला अध्याय होगा भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, फिर इकाई 2 है पृथ्वी, इसमें दूसरा अध्याय हम लोग देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, और तीसरा अध्याय होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चौथा अध्याय होगा महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, इसके बारे में बड़े विस्तार से हम लोग बात करेंगे। मुझे लगता है कि भारत में अगर आप लोग रह रहे हैं तो कम से कम यहाँ की राजनीति के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, भारत के बारे में मालूम तो होना चाहिए, वरना आप क्या मतलब है। फिर आप इकाई 3 में देखेंगे भू आकृतियां, इसमें आपका 5वां चैप्टर होगा खनिज एवं सेल, 6वां चैप्टर होगा भू आकृतिक प्रक्रियाएं, फिर 7वां चैप्टर होगा भू आकृतियां तथा और उनका विकास, फिर इकाई आपकी 4th जलवायु, 8वां चैप्टर होगा वायुमंडल का संगठन और संरचना, 9वां चैप्टर होगा सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन, तापमान, 10वां चैप्टर होगा वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियां, 11वां चैप्टर होगा वायुमंडल में जल, 12वां चैप्टर होगा विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। और एक बात और बताऊं आप लोगों को, एनसीईआरटी आपको इसलिए पढ़ने के लिए कहा जाता है कि आपका बेस मजबूत हो जाए। जब कोई आप स्पेशल बुक्स पढ़ते हैं तो कम से कम आपको मालूम तो रहेगा कि जलवायु किस तरह की बात की जा रही है, खनिज क्या होता है, सहल क्या होती है, समझ रहे हैं आप लोग, वायुमंडल क्या होता है, जलवायु क्या होता है, महासागर क्या होता है, इनके बारे में मालूम तो होना चाहिए आप लोगों को। इकाई 5 में आप देखेंगे जल महासागर, महासागरीय जल 13 चैप्टर होगा, 14वां चैप्टर महासागरीय जल संचयन के बारे में जानेंगे, इकाई 6 यानी कि 6वीं इकाई में पृथ्वी पर जीवन के बारे में जानेंगे हम लोग 15वें चैप्टर में, 16वें चैप्टर में हम लोग जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस तरह आपके 16 चैप्टर इसमें होंगे और बहुत अच्छे से हम लोग बड़े ध्यान रखकर कवर करने की कोशिश करेंगे, और यही हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि ना तो हमें कुछ आता है और ना ही आप लोगों को कुछ आता है,
एक तरह से हम लोग सीख रहे हैं। तो आप लोग अपने आप से भी पढ़ते रहिए एनसीईआरटी, आपको बिल्कुल भी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी मैंने तो बोला है, आप लोगों से वादा किया, इसलिए कंप्लीट करवाना है, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दोरा नहीं। यहाँ भारत का संविधान भाग 4, नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए थे आपके 1976 में, आप जानते हैं 42वें संविधान के संशोधन द्वारा। आप समझिए कि आपके अधिकार भी हैं, आपको कुछ अधिकार दिए गए तो आपके कर्तव्य भी तो हैं। मान लीजिए आप एक तरह से इसे अपनी दैनिक जीवनचर्या में भी देख सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि बड़ा प्यार हो जाता है आप लोग, ये नया कोई वो नहीं, अच्छी बात है हो जाए। लेकिन आप देखते होंगे कि मान लीजिए आपने किसी से जो भी रिश्ता है, किसी भी तरह का, आप कोई भी हो सकता है, ठीक है, आप अगर उस पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं तो उसका भी कर्तव्य बनता है कि आपका भरोसा बनाए रखे, ना कि तोड़े। समझ रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब सीधा सा है कि आप समझिए कि आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि आप बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, घूम सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। तो आपका कर्तव्य है एक कि ऐसा भी संगठन मत बनाइए जो देश की एकता, अखंडता और शांति को भंग कर सके। या फिर आप देखते होंगे कि आपको आंदोलन करने की छूट रहती है, आपके मौलिक अधिकार हैं कि आप आंदोलन कर सकते हैं कहीं भी। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपके मौलिक कर्तव्यों में ये भी कहा गया है कि आपका कर्तव्य है कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करें, इसके प्रति एक तरह से कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन आजकल के जो आंदोलन होते हैं, आप जानते हैं कि उसमें सरकारी संपत्ति का सबसे ज्यादा मतलब एक तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है। अभी कल ही परसों किसी ने बोला कि सर मैं तो इनकम टैक्स नहीं देता हूं, मैं टैक्स नहीं देता हूं, मैं कहां से सरकार के जो भी काम काज है उसमें भागीदार हूं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप लोग पायले जी बिस्कुट तो खरीदते होंगे, आप इस तरह की कोई भी चीज खरीदते होंगे, उनकी जो पर्ची मिलती है उस पर आप लोग लिखा देखा करिएगा कि क्या लिखा हुआ है। मोबाइल खरीदते हैं आप लोग, उसकी पर्ची पर भी आप लोग देखिए, आप भी टैक्स टैक्स देते हैं, रिक्शा वाला भी टैक्स देता है, हर वो गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति भी टैक्स देता है, हर कोई इस देश के जो भी काम चल रहा है उसमें भागीदार है, ठीक है। अनुच्छेद 51 का में क्या क्या बोला गया है मूल कर्तव्य में, भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ठीक है। फिर आप देखेंगे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजो रखे और उनका पालन करे। फिर आपका भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। अगला है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। फिर आप देखेंगे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान की विरोध हो, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। फिर आप देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। फिर आप देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। फिर आप देखिए सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करिए, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। अब है आपका अंतिम है, यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये भी आपका, आप समझ सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार जोड़ा गया था ना जिस समय आपका शिक्षा के बारे में, ये भी उसी समय जोड़ा गया था, वो आपसे पूछा है, आप लोग नीचे लिखिए, ठीक है। और मुझे लगता है मैं कई बार इस पर बात भी कर चुका हूँ। तो ये तो है आपके मौलिक अधिकार, ये मौलिक कर्तव्य, माफ करिए, ठीक है, मौलिक अधिकार ऊपर दिए गए थे आपके। एक बात और आपको बताऊं, कई बार आपके इस तरह के क्वेश्चंस आपके पीटी में और आपके मुख्य परीक्षा में भी, 3 नंबर के, 6 नंबर के, जिस भी स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एमपीपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी अगर स्टेट में आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अगर मौलिक कर्तव्य के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोगों को अगर सभी मौलिक अधिकार आपको क्रम से रटे हुए हैं तभी आप लोग का खागा इस तरह से क्रमांक दें, या 1 2 3 या ABCD के रूप में आप लोग क्रमांक दें। अगर आपको सभी क्रम से नहीं रटे हुए हैं और आपको लगता है कि आपको सभी नहीं याद है तो आप डैश लगा कर लिखें। डैश लगाने से एक फायदा ये होता है कि जो भी परीक्षा
चेक आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है, वो सोच ध्यान नहीं देता, वो एक तरह से पढ़ते हुए चला जाता है। लेकिन अब जब आप लोग क्रम जो भी संख्या देंगे या क्रम देंगे ए बी सी डी के रूम में, तो उसे मालूम चले जाएगा कि इसने एक भूल गया है या इसने कम लिखे हुए हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य आपके, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग बड़ा ध्यान रखा करिएगा। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर, इसमें आपका क्या होगा, भूगोल एवं विषय की रूम में, भूगोल एक विषय की रूम में।